नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिषी डॉक्टर विनायक जोशी आपके फेवरेट पोर्टल बेबी चक्र के आज के राशि भविष्य में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज सोमवार तारीख 4 मई 2020 विक्रम संवत 2077 वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। आज राहुकाल रहेगा सुबह 7:17 से दोपहर सुबह 8:57 तक। आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि रहेगी कन्या। अब बात करते हैं राशि भविष्य की। सबसे पहले मेष राशि। आज आपकी राशि से उच्च का सूर्य और बुध का ट्रांजिट हो रहा है, जो बुधादित्य नाम का राजयोग बनता है। आज आपका मानसिक स्थिति और मनोबल दोनों बहुत अच्छे रहेंगे। आपके सुख का स्वामी चंद्र छठे घर में होने के कारण आज पारिवारिक दृष्टि से दिन मध्यम रहेगा। जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है। आज अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार के साथ मनमुटाव होने से बचें। आज संतान का स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। अगर करियर की बात करें तो आज कर्म स्थान में शनि गुरु और मंगल होने के कारण आज काम की स्थिति अच्छी रहेगी और काम में प्रॉपरली फोकस कर पाएंगे। आज का दिन कामकाज के लिहाज से काफी अच्छा है। आज आपका लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 9। मेष राशि के बाद अब बारी आती है राशि चक्र की दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि की। आज आपका राशिपति शुक्र आपकी राशि से ट्रांजिट कर रहा है और चंद्रमा आपकी राशि से पंचम स्थान से गोचर कर रहा है। इस कारण से आज का दिन संतान सुख के लिए बहुत ही अच्छा है। परिवार के साथ स्नेह बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा रोमांटिक दिन व्यतीत कर पाएंगे। कार्यक्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भाग्य स्थान में बैठे हुए शनि गुरु मंगल का बल मिलने के कारण आज आपका काम में मन लगेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु चंद्र परस्पर नवपंचम योग में होने के कारण चंद्रमा के ऊपर गुरु की पूर्ण दृष्टि होने से आज करियर में कुछ ग्रोथ का योग है, कहीं ना कहीं लाभ की संभावना भी दिख रही है। ओवरऑल आज का दिन हर प्रकार से अच्छा माना जाएगा। आज आपका लकी कलर है ग्रे, लकी नंबर है 5। अब बारी आती है राशि चक्र की तीसरी राशि अर्थात मिथुन राशि की। आज आपका राशिपति बुध उच्च के सूर्य के साथ आपकी राशि से 11वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है। आज का दिन दोस्तों और कलीग्स की तरफ से अच्छा सहयोग मिलेगा। पारिवारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज का दिन बहुत ही बेहतर है। हर प्रकार से जीवन साथी की तरफ से प्यार मिलेगा, परिवार की तरफ से सहयोग मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। करियर वाइज अगर देखें तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आपके काम में आपको यश मान और सफलता के योग है। ओवरऑल आज का दिन हर प्रकार से अच्छा रहेगा। आज आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। अब बारी आती है राशि चक्र की चौथी राशि अर्थात कर्क राशि की। आपकी राशि से आपका राशिपति चंद्र तीसरे घर से गोचर कर रहा है, जिसके ऊपर गुरु की नवम दृष्टि है। गुरु चंद्र का परस्पर दृष्टि योग होने के कारण आपकी राशि को राशिपति का बल प्राप्त हो रहा है। आज जीवन साथी के साथ दिन अच्छा व्यतीत होगा, परिवार के साथ मनमुटाव होने से बचें। कामकाज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, प्रॉपरली फोकस करके काम कर पाएंगे, काम में सक्सेस रेशियो अच्छा रहेगा। ओवरऑल आज का दिन अच्छा है। आज आपका लकी कलर है क्रीम और लकी नंबर है 2। कर्क राशि के बाद अब बात करते हैं राशि चक्र की पांचवी राशि अर्थात सिंह राशि की। आज आपका राशिपति सूर्य बुध के साथ आपकी राशि से 9वें घर में गोचर कर रहा है, अर्थात आपकी राशि से भाग्य स्थान में कहा जाएगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो आज कोई भी डिसीजन आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आप जॉब में हैं तो आज के लिए आपका दिन कामकाज की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। आज काम में सफलता के योग हैं, प्रॉपर फोकस और कंसंट्रेशन रहेगा, आज काम में परफेक्शन आएगा। जीवन साथी और संतान के लिए आज का दिन अच्छा है, संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। आज ओवरऑल परिवार के लिए दिन बहुत ही अच्छा है।
आज के दिन आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। अब बात करते हैं राशि चक्र की छठी राशि अर्थात कन्या राशि की। आज आपकी राशि से चंद्रमा का ट्रांजिट हो रहा है, जिसके ऊपर गुरु की दृष्टि होने के कारण आज का दिन हर प्रकार से अच्छा माना जा सकता है। जीवन साथी से पूर्ण प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। संतान और परिवार की तरफ से भी सुख की प्राप्ति होगी। अगर लॉकडाउन के कारण आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आज का दिन कामकाज के लिए बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। आज काम में आप अच्छी तरह से फोकस कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन से काम होगा, काम में सफलता और यश भी मिलेंगे। ओवरऑल आज का दिन हर प्रकार से अच्छा कहा जा सकता है। आज आपका ये लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। कन्या राशि के बाद अब बात करेंगे राशि चक्र की सातवीं राशि अर्थात तुला राशि की। आज तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा का ट्रांजिट आपकी राशि से 12वें घर में है। आज खर्च थोड़ा अधिक रहेगा, अपने खर्च पे काबू रखने की कोशिश करें। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आज थोड़ा सर्दी जुकाम या हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है। आज मूड थोड़ा डल रहेगा। अगर जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी की तरफ से आज सहयोग प्राप्त होगा, पर परिवार के साथ या संतान के साथ आज मनमुटाव होने की संभावना रहेगी। अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो आप लॉकडाउन के कारण अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आज दिन ठीक ठाक रहेगा। काम में ज्यादा मेहनत और फोकस करना पड़ेगा। काम का रिजल्ट थोड़ा सा डल रहेगा। ओवरऑल आज का दिन मिश्र फल वाला माना जाएगा। आज आपका लकी कलर है क्रीम और लकी नंबर है 5। अब बारी आती है राशि चक्र की छठी आठवीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि की। आज चंद्रमा आपकी राशि से 11वें घर से ट्रांजिट कर रहा है, इसलिए आज का दिन पारिवारिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा माना जाएगा। चंद्रमा के ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि होने के कारण आज दोस्तों से सहयोग मिलेगा, परिवार का स्नेह प्राप्त होगा। आज का दिन पारिवारिक दृष्टि से अच्छा कहा जा सकता है। अगर करियर वाइज देखें तो कामकाज की दृष्टि से भी आज का दिन अच्छा है। 11वां घर बलवान होने के कारण आज आपको पारिवारिक सपोर्ट के अलावा कामकाज में कुछ फाइनेंशियल गेन्स होने के भी योग हैं। अगर आप खुद के बिजनेस में हैं तो आज बिजनेस में दिन अच्छा रहेगा, बिजनेस पार्टनर की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल आज का दिन हर प्रकार से अच्छा है। आज आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। अब बात करते हैं राशि चक्र की नौवीं राशि अर्थात धनु राशि की। आज आपकी राशि से उच्च का केतु गोचर कर रहा है। चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 10वें घर में है, जिसके ऊपर गुरु की पूर्ण दृष्टि है। इस वजह से कर्मस्थान आज बहुत ही बलवान है। आज काम में सफलता और बहुत अच्छा फोकस कंसंट्रेशन मिलेगा, साथ साथ काम से यश भी मिलेगा। आज आपको सुपीरियर्स की तरफ से अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर पारिवारिक दृष्टि से बात करें तो परिवार की तरफ से आज अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी के साथ बहुत ही रोमांटिक टाइम व्यतीत कर सकते हैं। संतान का सुख मिलेगा, परिवार की तरफ से पूर्ण सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। आज आपका लकी कलर है लाइट येलो और लकी नंबर है 1। अब बारी आती है राशि चक्र की दसवीं राशि अर्थात मकर राशि की। आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम स्थान में गोचर कर रहा है और आपकी जन्म राशि में गुरु शनि और मंगल का ट्रांजिट हो रहा है। इसमें मंगल उच्च का है, शनि स्वग्रही है और गुरु नीच भंग योग कर रहे हैं। गुरु चंद्र का नवपंचम योग भी बन रहा है। आज का दिन आपके लिए हर प्रकार से बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाएगा। आज कामकाज की दृष्टि से अगर देखें तो काम में बहुत ही अच्छा मान सफलता और यश मिलने के योग है। आपको आपके कलीग्स की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, सुपीरियर्स की तरफ से अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर पारिवारिक दृष्टि से देखें तो जीवन साथी की तरफ से आपको पूर्ण सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा। आपका पूरा परिवार आज आपके साथ सहयोग करेगा। ओवरऑल आज का दिन हर प्रकार से बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। आज आपका लकी कलर रहेगा ऑरेंज और लकी नंबर है 5। मकर राशि के बाद अब बात करते हैं
राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि की। आज आपका राशिपति शनि आपकी राशि से 12वें घर में और चंद्रमा आपकी राशि से 8वें घर में होने के कारण आज का दिन मध्यम कहा जा सकता है। पारिवारिक दृष्टि से आज थोड़ा मनमुटाव होने का योग है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी थोड़ी चिंता रहेगी, परिवार वालों के साथ मनमुटाव होने से बचें। गुस्से पर काबू रखें। करियर वाइज अगर देखा जाए तो काम में भी आज फोकस और कंसंट्रेशन कम रहेगा। थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड चिंता भी रह सकती है। ओवरऑल आज का दिन हर प्रकार से सावधानी रख के व्यतीत करने जैसा कहा जा सकता है। आज कोई भी बड़ा रिस्क लेने से या कोई इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। खर्च पर काबू रखें। आज आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 3। अब बात करते हैं राशि चक्र की अंतिम 12वीं राशि अर्थात मीन राशि की। आज चंद्रमा आपकी राशि से 7वें घर से गोचर कर रहा है, इसलिए आज का दिन पारिवारिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। जीवन साथी से प्रेम मिलेगा, पूरे परिवार से सहयोग प्राप्त होगा। आज आपके दूर के रिश्तेदारों के साथ कुछ बातचीत हो सकती है। हो सकता है आज बाहर गांव से कोई अच्छा फोन कॉल जिससे आपको लाभ हो या कोई नया ऑर्डर मिले, उसकी भी संभावना रहेगी। वर्क वाइज आज का दिन बहुत ही अच्छा है। 10वें घर में उच्च का केतु होने के कारण नए इनोवेटिव आइडियाज आएंगे। काम में अच्छा कॉन्सेंट्रेशन और फोकस रहेगा। आज आपका लकी कलर है लेमन येल्लो और लकी नंबर है 2। ये थी आज का 12 राशियों का भविष्यफल। अब बात करते हैं आज की टिप ऑफ द डे की। अगर कोई छोटा बच्चा रात में चौंक के जाग जाता हो या बार बार बीमार हो जाता हो, कई बार माँ बाप को ऐसे लगता है कि बच्चे को किसी की नजर लग गई है, बार बार हेल्थ की कोई ना कोई समस्या आती रहती हो, तो एक छोटा सा नुस्खा है। एक काला धागा लेके उसके ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए 7 बार गांठ लगाएं। 7 गांठ लगाने के बाद उस धागे को अगरबत्ती से धूप दें। धूप देने के बाद वो धागा बच्चे के गले में या कमर में कहीं भी बांध दें। बच्चा हेल्दी रहेगा, नजर दोष से दृष्टि दोष से बचा रहेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ग्रोथ अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।